अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एज यू ऑल नो कि अभी 22 मई 2022 और 6:34 हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा वो इतना लंबा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और वो ये है, वो भी रिसेंटली अभी मैं तैयारी पकड़ रहा था कि अच्छा आज का व्लॉग किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। तो एक भाई हैं जिनको एसी उनका एसी नहीं चल रहा था और उन्होंने ग्रुप के ऊपर कमेंट किया कि भाई मैंने नई चंगान निकलवाई है, एसी जो है वो नहीं चल रहा। कि यार इफ़ एनीवन जो कि अपना मसला बयान करे ग्रुप के ऊपर तो हमें उसको सीरियस लेना चाहिए। देखें वॉट एवर द रीज़न इज़, चाहे छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम उसे किसी बंदे को आ रही हो या उसे समझ ना आ रही हो तो इट मीन्स उसे समझ नहीं आ रही। और जिस बंदे को नहीं समझ आ रही होती तो उसको समझाना चाहिए, उसका मसला हल करना चाहिए। मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने जो अपनी वीडियो भेजी मुझे उसका मैं रेप्लिका आपके सामने पेश करता हूँ। कि उनका जो इनिशियल वीडियो जब स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट इस तरह होती है कि एसी वेंट्स जो हैं तकरीबन 4 के ऊपर होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये मतलब एसी वेंट्स ऑन है, ये कूल के ऊपर है, ये वाला फ्रंट थ्रो कर रहा है और ये वाला इनका जो है बटन जो है ये ऑन है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने यहाँ से भी इसको मैनेज कर लिया, यहाँ से मैनेज जो ना भी करती तो इनकी वो स्क्रीन शो कर रही थी कि ये कूल के ऊपर है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर इवन एसी भी ऑन किया। जब एसी ऑन किया तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि मेरा एसी नहीं चला, मतलब कूलिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब उसमें मैंने उनको जो उन्होंने ऑल दो जस्ट टू लेट एवरीवन नो, उन्होंने अपने डीलरशिप से रब्ता कर लिया है और डीलरशिप ने उनसे यही कहा है कि वो डीलरशिप आ जाए, इंशाल्लाह ताला उनका मसला हल हो जाएगा। अब अगर देखा जाए टॉकिंग अबाउट एसी, आज का टॉपिक भी ये है कि चंगान के जो एसी आउटलेट्स हैं उनके लिहाज से कई लोगों को प्रॉब्लम होता है तो एसी कैसे चलाया जाए। बेसिकली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो बटन है दिस इज़ फॉर द एसी, जो ये ब्लैक है जिसके ऊपर ये एसी लगा हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे ये ऑफ हो जाएगा, ये ब्लू लाइट ऑफ हो जाएगी। इसी को आप दबाएंगे तो ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी, इट मीन्स कि एसी स्टार्ट हो चुका है। ये वाले जो दो आप देख रहे हैं रेड में और ब्लू में, रेड वन इस के आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ से आपका ये टेम्परेचर गेज आपको नज़र आएगी चेंज हो रहा है और फुल इधर आ जाएगी तो हॉट के ऊपर है, दरमियान में होगी तो हॉट एंड कूल दोनों हैं, मतलब दरमियाना, और बिल्कुल इधर आ जाएंगे तो आपका फुल कूल के ऊपर है। ठंड अगर ज़्यादा लग रही है तो आप इधर से टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं तो वो कंट्रोल उसकी कूलिंग हो जाएगी। तो हॉट एंड कूल के लिए इसको आपने गोल घुमाना है, ये आपके पास ऑप्शन है। जब आप ये घुमा रहे होंगे तो ये देखें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको समझ आती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एसी का बटन ज़रूर आपने दबाना है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने फ़ैन को जितना भी तेज़ करना है या स्लो करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग समझते हैं कि ये चूंकि ब्लू लाइन एक जा रही है तो दैट इज़ सपोज टू बी एसी के लिहाज से है, हालांकि ये एचएमआई को कंट्रोल करने इंफोटेनमेंट के लिए वॉल्यूम का इस तरह करके और इसको प्रेस करके ऑन या ऑफ, ये अभी ऑन हो चुका है, इसी को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो करना ये है कि बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया है और यही आज का व्लॉग मैं यहाँ पे अपना ख़त्म करूँगा। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि बहुत से लोगों को इशू आ रहा है एसी ऑन ऑफ के लिहाज से। अगर ये सोल्यूशन आपका काम ना चला सके तो देन यू हैव टू मतलब कॉल द डीलरशिप और डीलरशिप आपका फिर जो भी मसला होगा, क्योंकि वो टेक्निकल होगा और जब टेक्निकल होता है तो टेक्निकल के अंदर राह चलते हुए मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, आपको जो है डीलरशिप वाले ही उसका सलूशन बताएंगे। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स मिलती रहें। ये आप देख सकते हैं बच्चों का ढेर लग चुका है और जस्ट यासीन के मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो इधर आके खड़े हो गए और इवन मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एनीवेज
टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, राह चलते हुए, साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।